बजरंग बली की शरण में क्यों पहुंची मुस्लिम महिलाएं? क्या हनुमान जी बचाएंगे अब मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से? मुस्लिम महिलाओं के सामने हनुमान चालीसा का आखिरी सहारा। ये तस्वीरें देखने में और ये बातें सुनने में आपको थोड़ी अटपटी जरूर लग रही होंगी, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। एक तरफ जहां तीन तलाक के मुद्दे पर आज से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, वहीं कोर्ट का फैसला मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में ही आए, इसके लिए मुस्लिम महिलाएं भी तमाम जतन कर रही हैं। और इसी सिलसिले में धर्मनगरी काशी में मुस्लिम महिलाएं हनुमान मंदिर पहुंच गई। वहां उन्होंने बजरंग बली से तीन तलाक से मुक्ति दिलाने की गुहार लगाई। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की अगुवाई में पातालपुरी मठ पहुंची करीब 50 मुस्लिम महिलाओं ने यहां न सिर्फ बजरंग बली की आरती उतारी, बल्कि वहीं बैठकर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। सबसे कमाल की बात यह है कि इन महिलाओं ने जहां मुस्लिम चालीसा का पाठ किया, वहां मुस्लिम महिला फाउंडेशन के नाम का पर्चा भी चस्पा था और उस पर लिखा था तीन तलाक से मुक्ति मिले। इनमें से कई महिलाओं ने बाकायदा बुर्का भी पहन रखा था। मुस्लिम महिला फाउंडेशन का मानना है कि जिस तरह श्रीराम के जीवन में आए संकटों को हनुमान जी ने दूर किया था, ठीक उसी तरह मुस्लिम बहनों का संकट भी अब दूर होगा और हनुमान जी उन्हें तीन तलाक से मुक्ति दिलाएंगे। संगठन ने हलाला जैसी कुप्रथा को मानवीय अत्याचार की चरम सीमा करार दिया है और कहा है कि इसे कानूनन बलात्कार घोषित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल तीन तलाक के मुद्दे पर देश भर में गर्मागर्म बहस छिड़ी है। एक तरफ जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे शरीयत के आधार पर जायज ठहरा रहा है, वहीं कई मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने इसे बैन करने की भी मांग की है। तीन तलाक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बजरंग बली इन महिलाओं की मनोकामना पूरी करते हैं या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।